जिसने भाई कंप्लेंट पारा ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए वो भी कर सकते हैं केदारनाथ। आए हाय जन्नत, जो लाइफ में केदारनाथ नहीं गया एक बार जरूर जाके आना, जिंदगी के पूरे हो जाएंगे आपके। गुफा के बाहर कृष्ण भगवान ने जो उंगली पे उठाया था पहाड़ को पूरे। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई सारे, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई चार धाम मंदिर के चौराहे पे, जहाँ से हमने कर ली थी बस। ओमकारेश्वर से जस्ट आया हूँ मैं। हम आए भाई उस बस में और ये हमारे भैया। हाँ जी सर, कैसा रहा आपका ट्रिप ओमकारेश्वर? बहुत ही अच्छा रहा ट्रिप हमारा, और अभी हम दर्शन भी बहुत अच्छे हुए महादेव के। अभी हम घूमने के लिए दोबारा उज्जैन आ चुके हैं और चार धाम मंदिर में जाएंगे। उस बस में अगर भाई आपको ओमकारेश्वर जाना है, उज्जैन से ओमकारेश्वर जाना है, डायरेक्ट आना, यहाँ से टिकट लेना, क्योंकि हमने एजेंट से कराई थी ना, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। वो हुई थी 280 की, और रेड बस पे जो मैंने की थी 250 रुपये की, लेकिन वो 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे GST के तौर पर। तो इसलिए आप डायरेक्ट आना, यहाँ 250 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगी। यहाँ आना भाई, AC बस है, बढ़िया बस है, 4.5-5 घंटे लेती है। तो अभी चलते हैं भाई चार धाम मंदिर के अंदर, और भाई उज्जैन में आप आके चार धाम मंदिर बोल सकते हो, आपको सीधा यहाँ चार धाम मंदिर के आगे उतारेंगे। ये भाई चार धाम मंदिर का गेट, ये कुछ मंदिर का व्यू, साइड में गार्डन। सबसे पहले भाई मंदिर में गणपति जी महाराज के दर्शन। गणपति बाप्पा द्वारकाधीश, जय शिव बा के बिहारी। ये भाई रामेश्वरम भगवान, नंदी माता। रामेश्वरम के बाद भाई बद्रीनाथ भगवान। यहाँ मैं गया था यार बद्रीनाथ, मजा आ गया था भाई। श्री नारद जी और श्री गरुड़ जी, जय बद्री विशाल। उसके बाद भाई माँ लक्ष्मी, राधा कृष्ण जी, राधे राधे, शिव पार्वती जी, श्री राम भगवान, लक्ष्मण सीता माता, हनुमान जी और दुर्गा माता। फिर आखिर में भाई भगवान जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता श्री जगन्नाथ। चार धाम मंदिर के बाद भाई आप अंदर गुफा में जा सकते हो, जिसके टिकट का प्राइस है मात्र 10 रुपये, और फोटो खिंचवा सकते हो, अर्जेंट फोटो मिल जाएगी आपको। आते ही है कृष्ण भगवान का ये पर्वत उठाया था जो, और कृष्ण भगवान के बाद भाई ये हम शेर के मुख में जा रहे हैं। चाहे तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ना, मैं शेर के मुंह में जा रहा हूँ। जल्दी वहाँ से हटो। अच्छा। और फिर भाई ये आते हैं हमारी शेष शाही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी। जय हो, लिख दिया करो यार, हमें पता नहीं चलता। लक्ष्मण शक्ति, ये तो वो है यहाँ पर्वत उठाया था जो लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़े थे। हाँ ये तो पता है, रामायण देखी है मैंने। जय श्री राम। देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये भाई हमारे फिर नटखट मदन गोपाल कृष्ण भगवान, वो कृष्णा है सुतना पुतना। फिर आ गया भाई ये हमारे मदन गोपाल कृष्ण भगवान। भाई सब देखने लायक जगह बना रखी है, एक नंबर। यार लिख दिया करो यार, पता नहीं चलता भाई हमको। ये भाई गुफा के खत्म, चलते हैं फिर बाहर। भेजे स्माइल हमारे महादेव ने भाई, हमारी दुर्गा माता, एक नंबर पहाड़ों में। जोर दी बोलो जय माता दी। चलते हैं भाई फिर हम इस दूसरी गुफा में, जहाँ हमारे गणपति बप्पा, ब्रह्मचारिणी माता, ये फिर हमारी चंद्रघंटा माता, रक्तंदा माता, कुसमुंडा माता। कौन है भाई वहाँ? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? भाई साहब कलाकार को सलाम है यार, क्या एक एक चीज को बारीकी से बना रखा है। ओ चढ़ाई आ गई, वैष्णो माता के दरबार पे जा रहे हैं क्या हम? किस चीज का ये? मैं भी शायद उसका है, लकड़ी का, फाइबर का। और भाई ये पहाड़ों पे चलने के बाद हम पहुंचे हैं श्री माँ वैष्णो देवी, दर्शन ऊपर है, लेकिन ये कात्यायनी माता और कालरात्रि माता। फिर आते हैं हमारे पेठे, ब्लड देखो ब्लड। फिर भाई आए हैं यहाँ, गाने चल रहे हैं, लेकिन पत्थर देखो, पत्थर किस चीज के हैं? पत्थर असली है भाई ये। बेटी को मत समझो भार, जीवन का ये अभार। क्या बात है, सही बात बिल्कुल भाई। जय भोलेनाथ महाराज की जय, वैष्णो माता का दरबार। और माँ वैष्णो देवी के दरबार के बाद भाई ये हमारे भैरव बाबा,
पहाड़ों में आ चुकी है सीढ़ियां। वाओ दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये नया हिंदुस्तान है भाई। जिस हिसाब की गुफा है ना, 10 रुपए वर्थ है। अगर 100 रुपए भी होते ना, होते तो ज्यादा। क्या कर रहे यार तू, मतलब मजाक है क्या? शायद यहाँ होता है कंप्लीट। कृष्ण भगवान है वहाँ, सुधर जिन्हों उंगली पे पहाड़ को उठाया था वो देख के, हमारी यहाँ होती है गुफा कंप्लीट। लास्ट है भाई ये गुफा के बाहर, कृष्ण भगवान ने जो उंगली पे उठाया था पहाड़ को पूरे। और जो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो इन झांकियों के द्वारा समझ सकते हो आप। कृष्ण बाल लीला का दर्शन है पूरा अंदर, तो आप जो मैं बता नहीं पाया वो आप वीडियो में देख सकते हो, या आप आओ तो यहाँ जरूर देखना। चार धाम मंदिर के दर्शन करके भाई अब चलते हैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जिसमें से 3 मैंने रियल में किए हैं। दर्शेश्वर महादेव, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर हमारे महादेव पार्वती माता, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, फिर सामने हमारे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ। आय हाय जन्नत, औकात के बाहर है लेकिन क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। जो लाइफ में केदारनाथ नहीं गया एक बार जरूर जाके आना, जिंदगी ये पूरे हो जाएंगे आपके। ये घृणेश्वर और ये हमारे महादेव सेंटर में। तो ये कंप्लीट होता भाई हमारा चार धाम मंदिर, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी थे, गुफा भी थी और चार धाम मंदिर भी था। तो फिर पूछते हैं भैया से कैसा रहा यहाँ का, आने का फ़ायदा हुआ या नहीं, आना चाहिए या नहीं आपको? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, ऐसा क्या यूनिक है यहाँ पे? यहाँ पे महादेव की नगरी में आने पर सारा यूनिक हो जाता है। जय बाबा की। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव और उज्जैन की पूरी सीरीज भाई आप जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।